हेलो गाइस, माय सेल्फ साक्षी सचदेवा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने वर्ल्ड की वीडियोस में जो काम किया, अब हम उससे थोड़ा सा आगे, जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी कि हम लोग बुलेट्स या नंबरिंग कैसे लगा सकते हैं, तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे। इसमें हम लोग मल्टी लेवल टाइप की लिस्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि मैंने मैटर डिलीट किया, और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर चाहती हूँ, जैसे कि देखिए, लाइक हम लोग एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MNC कुछ कंटेंट मैं इस मेन को टाइप किया। इसके बाद मैं इसे कुछ सब कंटेंट्स बनाना चाहती हूँ। अब जैसे सब कंटेंट में सबसे पहले डाल दिया मैंने MS Word 2010। इसके बाद मैंने डाला यहाँ पे MS Excel, और इसके बाद डाला मैंने MS PowerPoint, फिर डाला MS Access, MS Publisher, तो देखिए कुछ इस तरह के मैंने कंटेंट्स बनाए, और उनको मैं एक मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहती हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, तो आप यहाँ से देखेंगे कुछ स्टाइल बने हुए हैं। लाइक आपने इस तरह का लिया, तो यहाँ पे तो देखेंगे आप नंबर वाइज कंटिन्यूसली 1 2 3 4 है, तो इसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के सेकेंड पॉइंट के हम यहाँ पर टैब को प्रेस करते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली वो एक मल्टी लेवल लिस्ट बनती जा रही है। ये देखिए कि हमारा नंबर वन मेन हेडिंग हमारी ये है, उसके अंदर जो हमारे कंटेंट्स हैं वो हमारे ये हैं। और मैं अगर यहाँ पे चाहती हूँ कि हम यहाँ पे अलग लेना चाहते हैं कुछ इस तरह के मल्टी लेवल, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह का भी बना सकते हैं। आपने बोला कि मैम देखिए, अगर मैं MS Word के अंदर भी कोई हेडिंग बनाना चाहती हूँ, तो हम लोग MS Word में भी, जैसे कि मैंने बोला मुझे पेज सेटअप कन्फर्म करना है, पेज सेटअप हम लोग कैसे करेंगे। इसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे जैसे कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम लोग वो हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए तो फिर फॉन्ट फॉर्मेटिंग हमारी आ गई। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि अब मैं यहाँ पे ऑप्शन चाहती हूँ कि मुझे बुलेट्स कैसे लगानी है, तो हम लोग उसकी भी अलग से बना सकते हैं। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो ये देखिए हम लोग हर तरह की मल्टी लेवल टाइप की लिस्ट बना सकते हैं इसमें। जैसे अब मैंने बोला कि मुझे मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनानी है, तो वो देखिए मैं यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को ये लिस्टिंग अलग अलग चलेगी। एक टॉपिक मैंने लिया, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये बोल्ड हो जाए, कलर इसका चेंज हो जाए। तो देखिए इसके बाद फिर मैं चाहती हूँ कि इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है मैंने, तो मैं इसको भी चाहती हूँ ये भी बोल्ड हो जाए, बट इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ से मैंने ये सब चेंज कर दिया, और ये मैं एज इट इज़ चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ ये वाली फॉर्मेटिंग बाकी के इन टॉपिक्स पर आ जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्मेट पेंटर, तो मैंने क्या किया यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को चलाती हूँ। पर यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए हमारा फॉर्मेट पेंटर काम किया। देखिए तो इस तरह से हम लोग अपनी मल्टी लेवल लिस्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह के बुलेट्स। इसके बाद होता है यहाँ पे हम लोग अगर कुछ हेडिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो देखिए ये हेडिंग्स बनी। चैप्टर वन में हमने मेन हेडिंग डाली है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, उसके अंदर सब हेडिंग ये हैं, और उसके फॉर्मेटर यहाँ पर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग ऐसे नहीं चाहते हैं, हम इसमें कुछ और चेंजेस चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन अलग से हैं, हम ये भी कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली जैसे अब यहाँ पे हैं, और मैं इसको चेंजेस करूँगी, देखिए जैसे जैसे मैं टैप को प्रेस करूँगी ऑटोमेटिकली मेरा बुलेट चेंज होगा, क्योंकि ये मेरी एक लेवल के अकॉर्डिंग बनेगा कि इस यहाँ से हम नेक्स्ट लेवल पर आएंगे तो ये बुलेट है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाती हूँ तो बुलेट मेरा चेंज है। मैं यहाँ से देखिए इसे करती हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेवल पर आती हूँ तो मेरा बुलेट चेंज है। तो ये हमेशा ऑटोमेटिकली हर चीज़ हमारी चेंज होगी। देखिए
तो ये है गाइस हमारी मल्टीपल लेवल लिस्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट जो भी आप यूज़ करें आप उस पर कर सकते हैं। अब आप इसको अगर और हमारे अनदर ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप इसे विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट www.asanhaina.com पे। इस पर हमारे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे जो भी टॉपिक पे आप देखना चाहें। सो गाइस थैंक यू सो मच।